ये आज का व्यू है सामने का, बादल जमीन पे आए हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। काफी दिन से मेरे व्लॉग आ नहीं रहे थे क्योंकि मैं बीमार भी था और ना बीमार होने के कारण कहीं बाहर निकला भी नहीं। हमारे साथ उस्ताद और विष्णु भी हैं, अभी बाहर जा रहे हैं हरिद्वार साइड। यहाँ अभी चंबा मार्केट पहुंचेंगे हम। यहाँ का मौसम देख लीजिए, बादल है ना एकदम नीचे आए हुए हैं बिल्कुल। अभी हरिद्वार जा रहे हैं कॉटन को लेने, कॉटन आ रही है वहां पे देहरादून एयरपोर्ट। ये बादल 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 देखिए उस्ताद, इधर दिखाइए राइट साइड, राइट साइड में देखिए सामने ये हिमालय दिख रहा है, भी दिख रहा है सामने दिख रहे हैं। ये है चंबा मार्केट आगे पूरा। राइट साइड में ओल्ड टीली रोड की तरफ चला जाएगा, आगे चंबा मार्केट मसूरी वगैरह की साइड चला जाएगा और ये लेफ्ट साइड में ऋषिकेश रोड, ऋषिकेश चला जाएगा ये रास्ता। ये यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है आगे ऋषिकेश का, पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। किलोमीटर बाटे 25 मिनट लगेगा। जॉली ग्रांड जा रहे हैं अभी। I feel like नीरज बवाना सब उधेड़ देंगे, रैप के में डॉन बने सारे इनको छेद देंगे, नाम चले एक नंबर गाड़ी बजे तेज बेटे रियल रहा सीन में और बंदे सारे फेक। I feel like बड़ा अच्छा लगता है जब लोग है ना लगाते हैं अपना हिंदू नाम का स्टिकर। एलिश यादव के फैन है तो मेरे को भी अच्छा लगता है, लगाएंगे हम भी। वो भी लगते हैं? हाँ, उसने भी अपनी गाड़ी के पीछे लगवा रखा है हिंदू नाम का स्टिकर, तो अपन भी लगवाएंगे। भाई साहब पहले ये बताइए, 3 मिनट में है ना बंद होता है, ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? स्लिप मेंशन है और वो अथॉरिटी का है हमारा। अच्छा, चलो मैंने स्लिप पढ़ ली, वहाँ पे गया, वहाँ से पिकअप किया, यहाँ पे है ना एग्जिट कर लिया, अगर 3 मिनट में नहीं हुआ तो है ना फाइन लग जाएगा वहाँ के लिए है। हाँ वहाँ पे ये बताइए, वहीं पे बता रहा हूँ मैं, कट जाएगा। तो वैसा मैं है ना आपको खुद 500 रुपये दूंगा, आप यहाँ से लेके जाइए, 3 मिनट में है ना यहाँ से एग्जिट करवा दीजिए आप, 3 मिनट में एग्जिट करवा दीजिए। हाँ क्योंकि चूतिया रूल बना रखे हैं, आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, आपकी ये ड्यूटी है या नहीं है कि है ना अगले को बताना चाहिए कि भाई साहब 3 मिनट का है, आगे कोई गार्ड नहीं खड़ा है कि है ना भाई साहब ये टर्मिनल की पार्किंग है, ये यही पार्किंग है, कोई नया बंदा है उसको क्या पता चले? अलाउंस करते होंगे ना नीचे गाड़ी में है ना, अनाउंस सुनाई देगा क्या? नहीं नहीं किया है बाद में, भाई साहब मैं ना गाड़ी के शीशा बंद कर देता हूँ यहाँ पे, आपको अनाउंस सुनाई दे जाए तो बताओ मेरे को। बोर्ड भी लगे हुए हैं, मैं बोर्ड पढ़ता चलूँ, ये ना टिकट पढ़ता चलूँ, ये सब देखता चलूँ मैं, आप है ना एक बार बता नहीं सकते क्या रहे? आपकी ड्यूटी क्या है? खाली चलान काटने के लिए आप तुरंत आ जाते हैं। वहाँ मेरा ड्यूटी है, मैं कहाँ चलान काटूंगा भाई, मेरा ड्यूटी यहाँ है। आपकी ड्यूटी यहाँ पे किस चीज की है? यहाँ सिर्फ एंट्री और एग्जिट देखते हैं, ये नहीं बताते कि है ना 3 मिनट में है ना आपका फाइन कट सकता है। एंट्री होती है नहीं,
आपके एंट्री और एग्जिट दोनों का है ना पूरा आपका स्टाफ बैठा है, ये भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, एक ने भी नहीं बताया और चालान काटने के लिए तुरंत आ गए। हाँ 105 का। और ये बताइए 105 का किस बात का काटा है ये बताओ, वहाँ 500 होते हैं, 105 का कैसे काटा है ये बताओ, 500 का बोर्ड पे लिखा हुआ है, 105 का लिखा हुआ बोर्ड पे किया है ना, जो काटा है मैं काटा रही हूँ किस चीज का है, अथॉरिटी अथॉरिटी आपके अंडर में नहीं आ रही, नहीं आ रही, पार्किंग रिकॉर्ड हो रहा है सब, आप खुद बोल रहे हैं, ये नाम बता दीजिए एक बार आप दोनों अपना, हमारा कंपनी होता है, हमारा कंपनी से भाई पार्किंग में है, पार्किंग से मतलब है नीचे से मतलब नहीं। बढ़ा रखा है मतलब 3 मिनट में, यार कुछ सेंस वाली बात है ये कि कोई कैसे निकल सकता है 3 मिनट में, I feel like Neeraj Bhavana sab udher denge rap ke main don bole sare inko chhed denge naam chale ek number gaadi baje tez pe real raha scene mein aur one